तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल। जी हाँ, एडवांस एक्सेल की हमारी जो है दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम बस इंट्रोडक्शन दिए थे, दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फाइल मेनू बार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मेनू के हिसाब से पढ़ेंगे, तो आज हम फाइल मेनू बार को कवर करेंगे। हाँ मेनू बार से पढ़ने से क्या होता है कि आपको पता रहता है कि हमारी कोर्स कहाँ चल रही है और कल क्या टॉपिक करेंगे। ओके तो हम फाइल मेनू बार के बाद चलते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ना आती हो। चलिए मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूँ। जी सर तो फाइल मेनू बार में सबसे पहले होम का ऑप्शन होता है। तो होम का ऑप्शन जो आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आएगा, जैसे इवनिंग है तो गुड इवनिंग लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से आपको लिखा हुआ सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, जी उसी चीज है यहाँ पे आपका जो ब्लैंक वर्कबुक है, और ब्लैंक वर्कबुक के बाद यहाँ आपके सामने जो टैंपलेट, जो रिसेंटली जो आपने यूज किए हैं वो टैंपलेट आएंगे। उसके बाद रिसेंटली कुछ ओपन फाइल, कुछ पिन फाइल और कुछ शेयर विथ मी फाइल आएगी। अब रिसेंटली ओपन फाइल, जो जैसे फाइल आप ओपन ओपन करते हो तो रिसेंटली फाइल हो गई। अब पिन फाइल क्या होती है? जैसे क्या होता है कि रिसेंटली फाइल तो चेंज होती जाती है ना। जैसे मैं कोई और फाइल ओपन करूंगा तो ये लिस्ट से हट जाएगा, ओके हाँ दूसरा आ जाएगा, देखिए ये नीचे खसक जाएगा। हाँ लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे फाइल है जिसको आप फ्रिक्वेंसली ओपन करते हैं, बराबर उसको ओपन करते रहते हैं, हाँ या फिर समझिए कि आपको जो है वो फाइल आपके पास, जैसे मोनली चार पांच फाइलें हैं जिसको आप कभी भी ओपन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप डेली ओपन करें, बट आप कभी भी उसको ओपन कर सकते। हाँ ठीक है, जी तो ऐसे फाइल को क्या करेंगे, पिन कर देंगे यहां से। जब पिन कर देंगे तो पिन लिस्ट आ जाएगा। ओके सर ओके ओके तो आपको उस फाइल के अंदर जाके ओपन करने की जरूरत नहीं है। जी, हाँ, जैसे कि अपने एक्सेल खुलेगी होम में जाएंगे तो यहाँ पे पिन फाइल में मेरे फाइल जो अब जो चाहिए रोज यूज करता हूँ वो फाइल यहाँ से ओपन होके जी फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं। ठीक। और शेयर विथ मी, जैसे कि किसी ने आपको शेयर किया है तो यहाँ पे शेयर भी जाएंगे। शेयर जैसे कि आपको जो किसी ने आपको वन ड्राइव के जरिए शेयर किया है तो यहाँ पे। ओके हाँ उसके बाद हम न्यू पे आते हैं। तो न्यू में एक तो ब्लैंक वर्कबुक, उसके अलावा यहाँ पे टैंपलेट होता है। अब टैंपलेट क्या है, जिसको जान जाइए। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था, आज ही मैं बता रहा हूँ। अब टैंपलेट शो कब होगा, जब आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। सो इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इसकी जरूरत पड़ती है, याद रखिए। ओके तो ये बनाए फॉर्मेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर एक इनवाइस बनाना है, अब आपके पास इनवाइस बनाने का जो इंफॉर्मेशन है आपको नहीं है, आपने कभी इनवाइस बनाया नहीं है। और हो सकता है कि आपने, आपको कुछ ऐसा रिपोर्ट बोल दिया जाए जिसका फॉर्मेट आपने कभी देखा भी नहीं ओके हाँ है। आपको बोल दिया है कि एक वर्क ऑर्डर बना के भेज दो। अब वर्क ऑर्डर कैसा होता है आपको आइडिया नहीं है, नहीं तो यहां आप सर्च कर लीजिए वर्क ऑर्डर। ओके इससे रिलेटेड टेम्पलेट आ जाएंगे आगे ना, से वर्क ऑर्डर ट्रैकर, यहाँ पे मेंटेनेंस टास्क हो गया। हाँ तो ये आपको यहां से बस डाउनलोड करके और उसको अपने हिसाब से यूज कर ले। मतलब ये सीट सर एक्सेल में डाउनलोड होगी। हाँ, जैसे देखिए ना, मैं इनवाइस है ना, हमारा इनवाइस को सिलेक्ट किया और हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट कर लिया सर। ओके हाँ जी सर अब इसमें क्या करना है, आपने कंपनी का नाम वगैरह स्लोगन वगैरह चेंज कर लीजिए ओके सर और यूज कर लीजिए इसको। ओके सर ठीक है, जी सर उसके बाद न्यू के बाद हम बढ़ते हैं ओपन में। तो ओपन में आपको यहाँ पे रिसेंटली वर्कबुक आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो पिन फोल्ड फाइल है वो सबसे ऊपर आएंगे, और यहाँ पे रिसेंटली वर्कबुक भी ज्यादा आता है होम के अपेक्षा। बाकी तो आप फोल्डर, यहाँ पे रिसेंटली फोल्डर्स भी होते हैं कि रिसेंटली जो फोल्डर यूज किए हैं
और फोल्डर को भी पिन कर सकते हैं कि जो मोस्टली फोल्डर आपको ओपन इस डॉक्यूमेंट में मोस्टली ओपन करता हूं तो पिन कर देता हूं तो वो टॉप में सीक्वेंस में ओपन की गए फोल्डर यहां पर ओके यहां पे आता है रिकवर अनसेव वर्कबुक मतलब कि जो फाइल रिकवर ऑटो रिकवर होती है वो आप यहां से ओपन कर सकते हैं ये सारे फाइल है जो कि ऑटो रिकवर और क्या है हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं ओपन में तो ओपन समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है नहीं इन्फो इन्फो में क्या होता है कि फाइल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और इसका प्रॉपर्टी वगैरह मेंटेन करते हो कौन वर्कबुक है नहीं है इससे पहले क्या है तो ओल्डर वर्जन में रहा या ना रहा किसने फाइल को बनाया दिख रहा है आपको ऑथर ने ओके मान लीजिए कि कोई फाइल आपको किसी ने भेजा कि भाई मेरे फाइल में थोड़ा सा काम कर दे मुझसे नहीं होगा आपने फाइल में काम किया तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपने भी इस फाइल में काम किया ओके हाँ तो यहाँ इन्फो में आई है इसका ऑथर एड ऑथर दिख रहा है ना आपको सर ऑथर का नाम अपना नाम डाल दीजिए ओके समझ गया जी हाँ जी और अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो चलिए थोड़ी सी और इस पे डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ए फाइल है दिख रहा है CST02 फाइल फाइल के अंदर डेटा क्या है जब तक मैं इसको ओपन नहीं करूंगा तब तक पता नहीं चलेगा ना क्या तो जब तक इसको मैं ओपन नहीं करूंगा तब तक पता नहीं चलेगा तो कैसे हो मुझे कैसे हो कि बिना फाइल को ओपन किए मुझे पता चल जाए कि इस फाइल में कुछ है जैसे कि एरे पे देखिए आप एरे पे कर्सर गया यहां दिख रहा है आर्किटेक्चर स्कूल टाइटल दिस इज द एरर फॉर्मूला एग्जांपल फाइल सब्जेक्ट बैच 8 to 9 PM क्लास फाइल मुझे पता चल गया कि एरर फॉर्मूला की एग्जांपल फाइल है रात के 8 to 9 PM मैंने इसको यूज बैच पे यूज किया जी सर इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इस फाइल को खोलने की जरूरत नहीं ओके हाँ क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम में डेटा नाम से या फिर रिपोर्ट नाम से बहुत एक ही नाम के कई सारे फाइल्स अलग अलग फोल्डर में सेव रहते हैं जब आप सर्च करते हैं या ढूंढते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि आपका जो इस फाइल के अंदर आपकी डेटा क्या है ओके ठीक है हाँ तो उसके लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग मेंटेन करते हैं कैसे राइट क्लिक कीजिए प्रॉपर्टी में आइए और यहां आपके सामने यहां पे डिटेल्स में यहां पे दिया ना आपको ये अपना डाल दीजिए सब्जेक्ट डाल दीजिए टैग डाल दीजिए टैग मतलब कि कीवर्ड्स किस फाइल को और कितने नामों से ढूंढा जा सकता है डाल दीजिए एंड अप्लाई करके ओके कर दीजिए ऐसे कर्सर्स पे लेके जाएंगे आपको इसकी डिटेल भी दिख जाएगी ओके अब जैसे सर आप कीवर्ड डाला था टैग मान लीजिए मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे डेटा आया ना क्यों आया इसके टैग में मैंने कीवर्ड डाल रखा ओके ओके सर्च समझ गया इसलिए ऐसा क्लियर है ना डाउट कुछ नहीं चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं जी तो ये हम फाइल के इन्फो में बात कर रहे थे इन्फो से फिर सेव सेव है तो पता ही आपको लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप फाइल को सेव करते हैं ना तो सेव करते समय यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक होता है मतलब फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव किया है एक्सेल वर्कबुक डॉट एक्सएक्स में अब इस चीज करते समय ध्यान रखिएगा कि फाइल में कोई माइक्रो फाइल माइक्रो वगैरह तो नहीं है कोडिंग वगैरह तो नहीं क्योंकि अगर इसमें कोई कोडिंग होगा तो ये माइक्रो डिसेबल फाइल है ठीक है तो डिसेबल फाइल होने से क्या होता है कि अगर आपने उसको एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो सारे माइक्रो आपके खत्म हो जाएंगे मतलब कि डिलीट हो जाएंगे लॉस्ट हो जाएंगे ओके
अब कौन सा फाइल मैक्रो है, कौन सा है, कैसे पता चलेगा? उसके आइकन से पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए, ये फाइल है ना, जिस फाइल में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है ना, ये आपका क्या है, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। ओके ओके, मतलब कि अब जरूरी नहीं इस फाइल में माइक्रो होगा, बट मे बी इस फाइल में माइक्रो हो सकता है। ओके ठीक है जी सर, सिंपल है, से सिंपल है, तो ये आपका नॉर्मल एक्सेल फाइल से माइक्रो अनेबल होने की चांसेस नहीं है जी सर। तो फाइल को सेव करते समय आप इसका ध्यान रख लेंगे। दूसरी चीज, ऐसे मान लीजिए कि ये आपका एक्सेल वर्कबुक नॉर्मल डेटा सेव करने का होता है, ये माइक्रो और डेटा दोनों सेव कर सकते हैं। वर्कबुक जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत बड़े एक्सेल फाइल होते हैं, आपके पास बहुत बड़े एक्सेल फाइल होते हैं जी सर, अब उस एक्सेल फाइल के अंदर में जब भी वो ओपन करते हैं तो काफी टाइम कंज्यूम करता है, काफी टाइम लगता है। तो उसको बचाने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि इस फाइल को बाइनरी वर्कबुक में सेव कर दें। बाइनरी वर्कबुक में सेव करेंगे तो क्या होगा, आपका ये जो ये है आपका वर्कबुक है, इसकी साइज थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके ठीक है, तो खुलने में वगैरह दिक्कत नहीं करेगा सर जी? देखिए दिक्कत मतलब कि जो 500 MB की फाइल होगी और वो आपको जो है 300 MB हो जाएगी, ऐसा तो नहीं 500 MB की फाइल आपको 50 MB हो जाएगी, नहीं। हाँ वो सही है, उतना रिड्यूस कर देता है, लेकिन इसमें याद रखिएगा डेटा होना चाहिए, फॉर्मूला फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि बाइनरी वर्क। ओके हाँ, सेवे समझ गए, सेवे के आगे आते हैं प्रिंट। हालांकि प्रिंट के बारे में हम आपको बताएंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि प्रिंट का क्या सिस्टम है जी सर। एक मिनट सॉरी सर, सर तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आगे आगे प्रिंट की, तो प्रिंट के लिए थोड़ा सा डेटा हम रख लेते हैं या फिर वो जो फाइल हमने टेम्पलेट ओपन किया था ना, इसी को ओपन जी। तो आप करते हैं जैसे हम प्रिंट किया, शॉर्टकट होता है कंट्रोल पी, तो प्रिंट में ये आपका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखता है, यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंटर डिसाइड कर सकते हैं, साथ में यहाँ प्रिंटर की प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि जी बिल्कुल मैं आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ से सेट कर सकते हो, क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, कितना स्पीड में चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, इफेक्ट क्या होना चाहिए। ये सर इफेक्ट जब कलर प्रिंटर रहेगा तभी दिखा देगा कि इफेक्ट और क्वालिटी, इफेक्ट जैसे कि वाटर मार्क देना चाहते हैं ना कि हर प्रिंट पे मेरा वाटर मार्क आया। ओके, जैसे एक्सेल में तो वाटर मार्क करने का सिस्टम नहीं है, बट प्रिंटर ने सेटिंग कर दीजिए वाटर मार्क का, तो वाटर मार्क ऑटोमेटिक जो भी प्रिंट निकलेगा वाटर मार्क कर देगा वो, ये प्रिंटर की सेटिंग है ना कि आप किसी एक्सेल की सेटिंग है। ओके ओके ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से आप पर्टिकुलर पेज की सेटिंग कर सकते हैं, इसकी आपका जो प्रिंट करना है, एक्टिव शीट करना है, एंटायर वर्क करना है या सिलेक्टेड एरिया करना है। ये सर सिलेक्टेड प्रिंट सिलेक्ट का समझ गया, लेकिन एक्टिव शीट, एक्टिव शीट मतलब कि जो शीट आपका अभी चल रहा है ना ए, इसको करना है, या इसके साथ अगर 3-4 शीट और है सबको प्रिंट करना है, या एक्टिव शीट का है मुझे जो हमने एरिया सिलेक्ट किया है सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट करना। ओके ओके, जैसे कि अगर एक्टिव शीट करोगे तो पूरा प्रिंट होगा, वर्कबुक करेंगे तो जितने भी पेजेस हैं, जितने भी शीट्स हैं सबको करेगा, सिलेक्शन है जो एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ ना उतना ही एरिया प्रिंट होगा। ओके ओके सर, ओके जी सर, समझ गए। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10-15 पेजेस हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा ना निकले, 1 से 5 निकले या 5 से 10 निकले, तो पेजेस में स्टार्ट और एंड डाल दीजिए कि यहाँ से पेज को प्रिंट कर। बिल्कुल सही, प्रिंट बोथ साइड करना है या सिंगल साइड करना है, तो प्रिंटर उसके लिए कैपेबल होना चाहिए, मतलब कि एक के पीछे मतलब एक मतलब एक पेज के दोनों साइड करना है या बस फ्रंट फ्रंट ही करना है। लेकिन सर कभी कभी ये जो है ना बोथ साइड होना, वो कभी कभी दिखता नहीं है, वो प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये प्रिंटर में बोथ साइड तभी करेगा ना। समझा भी नहीं, बोथ साइड क्या होता है, सुनिए बताता हूं, मतलब बोथ साइड प्रिंटिंग होती है ना, तो
जो प्रिंट करता है 99, ये आपको 100 में पहले 100 करेगा, फिर 98 करेगा, फिर 97 करेगा, ऐसे लास्ट से प्रिंट करना शुरू करता है, फिर उसको पलट के डाल दीजिए, फिर जो है वापस जी सर ओके 1, 3, 5, 7 ऐसे करना शुरू कर देगा। ओके एक साइड में प्रिंट करेगा किससे, ऑड इवन नंबर, फिर इवन नंबर लास्ट से, ठीक है, फिर जब उसको प्लॉट कर डालेंगे तो फिर करेगा क्या करेगा, ऑड नंबर स्टार्ट से ऐसे प्रिंट करता है, तो इसकी सेटिंग होनी चाहिए। ओके उसके बाद कुलिंग, जैसे मान लीजिए कि हम हमारा जो पेज है वो 1 से लेके मान लीजिए 10 तक का पेज है, इसकी 5 कॉपी मुझे निकालनी है। ओके कोलेक्टेड में कोलेक्टेड ले लिया तो क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक का 1 कॉपी निकालेगा, 1 से 10 तक का 2 कॉपी, 1 से 10 से 3 कॉपी, पेज नंबर 1 से 10 1 कॉपी, पेज नंबर 1 से 10 2 कॉपी, ऐसे जो है सिक्वेंस में निकालेगा। जी अनकोलेक्टेड कर देंगे तो क्या होगा, पहले पेज नंबर 1 की 5 कॉपी निकालेगा, फिर पेज नंबर 2 की 5 कॉपी, फिर पेज नंबर 3 की 5 कॉपी, फिर उसको अपने हिसाब से आपको कलेक्ट करना होगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बुक ब्रॉड प्रिंट होता है ना, इसलिए वहां पे। ओके समझ गए, बाद में सीक्वेंस करेंगे, कटिंग करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। ठीक है ओके, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, पेपर लेटर है क्या है, मार्जिन क्या है आपका पेज का, टॉप से कितना छूटेगा लाइन या छूटेगा मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ। जी सर फिर प्रिंट कर दीजिए। ओके शेयर की बात करते हैं, इस फाइल को अगर शेयर करना है, ओके जैसे कि मुझे इस फाइल को शेयर करना है इसमें पीडीएफ अटैचमेंट करके, तो यहाँ पे शेयर से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट कर, शेयर का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सर अभी मैंने शायद लग रहा है ना लॉगिन नहीं हुआ है अभी, इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसको लॉगिन कहाँ से करना पड़ेगा? बेसिकली इसके लिए आपके पास ऑफिस का है अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, तब शेयर होता है। ओके 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 सर, मतलब कि आपको परचेजिंग वर्जन में हो जाएगा, लेकिन क्या है, सॉरी समथिंग फॉर अपलोडिंग एंड शेयरिंग द डॉक्यूमेंट, इसमें कुछ दिक्कत है अभी, ठीक है अपडेट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। कई कई बार मुझे बार बार वो शीट को मेल करना है या फिर वो नहीं, वो मेलिंग का सिस्टम नहीं है सर, वो मेल वाला सिस्टम अलग है सर। ओके हाँ, मेल वाला सिस्टम नहीं है सर। जी जी वो आपको वन ड्राइव पे शेयर करता है सेव करके। ओके ठीक है ओके सर, एक्सपोर्ट करेंगे तो इसको पीडीएफ में, एक्सपीएस में, या फिर कोई और जो पुराने वर्जन से उसमें सेव एज करते हैं, और सेव एज करके जगह पे इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके हाँ, मतलब पब्लिश इसे कि अगर आपने आपका पावर बीआई इसी आईडी से लॉगिन है तो पावर बीआई पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। क्लोज कर समझा नहीं सर, सॉरी क्या, पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, बीआई पे डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो यहां से अपलोड कर सकते हैं। जी ऑनलाइन सपोर्ट के लिए ठीक। उसके बाद यहाँ अकाउंट का ही, तो अपना जो है अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ओके ये माइक्रोसॉफ्ट की फीडबैक है, इसमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट कुछ भेजना चाहता है सजेशन तो भेज सकते हैं, इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का नहीं लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। ओके सर, उसके बाद ऑप्शंस है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सेटिंग, ठीक है। अब सर आप मुझे पहली या दूसरी क्लास में एक्सेल की सेटिंग पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट, उसका वॉल पेपर, उसका रिंग टोन जो है हम उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करें। ओके तो सेम चीज एक्सेल यूज करने जा रहे हैं तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करें। जी सर ठीक है, तो ये यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। ओके सर क्लियर है, क्लियर क्लियर सर, ये सेटिंग हम आपको कल पढ़ाएंगे। बिल्कुल सर चलेगा, क्योंकि अभी ये जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो खिचड़ी हो जाएगी, तो पहले आप क्या करें फाइल मेनूबार को अच्छी तरह से देख लें, इसमें देखने लायक आपका क्या है, टेम्पलेट, टेम्पलेट ठीक है, तो टेम्पलेट को अच्छी तरीके से देख लें, बाकी और भी ऑप्शन है इसको देख लें, कुछ ऑप्शन हो सकता है मैं छोड़ दिया हो, एक बार अपने हिसाब से देख ले जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर, कोई समझ में ना आए तो कॉल कर लीजिएगा। जी सर जी ठीक है ठीक है।